वेलकम टू एड्यूज। नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है, स्पेशली उन छात्रों के लिए जिन्होंने आईटीआई की ट्रेनिंग ली है। वैसे छात्र जिन्होंने आईटीआई की ट्रेनिंग ली है उनके लिए एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में, बहुत बड़े नंबर्स में वैकेंसीज आया है बिहार स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन की तरफ से। बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन की तरफ से बहुत बड़ी वैकेंसी आई है, बहुत नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट है उसमें। इसके बारे में सारा डिटेल्स मैं पूरी तरीके से बताऊंगा आपको, आप वीडियो को लगातार देखते रहें। इसमें मतलब कैसे कैसे क्या फॉर्म भरना है, क्या क्वालिफिकेशन है, इन सारी बातों को डिटेल्स में बताएंगे, लगातार आप वीडियो को देखते रहें। वैसे छात्र जिन लोगों ने आईटीआई की ट्रेनिंग ली है, रियलिटी में सच माना जाए तो ये बहुत दिनों बाद उनके लिए बिहार में ऐसी वैकेंसीज आई है और डिफरेंट ट्रेड्स में आई है। मतलब हर अलग अलग ट्रेड में कुछ ना कुछ वैकेंसीज़ है, जैसे इलेक्ट्रिशियन के लिए है, जैसे बिल्डर के लिए है, जैसे फीटर के लिए है, जैसे आपका रेफ्रिजरेशन में भी है। तो वो छात्र जो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब उनके लिए बहाली आए, ये उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस वैकेंसी से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण तथ्य है, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो फॉर्म भरने के लिए आपके लिए उपयोगी है, उन बातों को मैं आपको सिक्वेंस में बताने जा रहा हूँ। अभी आप जैसे मान लो कि ये जो वैकेंसी है, इसके फॉर्म भरने की जो अंतिम तारीख है, फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो 8 फरवरी 2019। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, इस फॉर्म को भरने की जो अंतिम तारीख है वो 8 फरवरी 2019 है। और इस फॉर्म को आप ऑनलाइन भर सकते हैं, इसलिए आप इस फॉर्म को भरने में देर ना करें। जल्दी से जल्दी जाकर कैफ़े में, या अगर आपके पास ऑनलाइन की सुविधा उपलब्ध है तो इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी आप भर लीजिए। अब इसके योग्यता के संबंध में मैं आपको बता दूं कि योग्यता का क्या रिक्वायरमेंट है। देखिए, योग्यता की बात अगर करें तो ये वैकेंसी जूनियर टेक्नीशियन का पोस्ट है। जूनियर टेक्नीशियन के पोस्ट पे जो योग्यता रखी गई है फेडरेशन के द्वारा, वो कुछ इस प्रकार से है कि छात्र को कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। छात्र जो हैं वो कम से कम 10th पास होने चाहिए, 10th बोर्ड पास होने चाहिए, और साथ ही साथ उन्होंने इलेक्ट्रिशियन, रेफ्रिजरेशन, फीटर और बिल्डर में जो ITI का सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो, इट मींस रेफ्रिजरेशन, फीटर, इलेक्ट्रिशियन, बिल्डर, इनमें उनको ITI की ट्रेनिंग उन्होंने ले रखी हो और उनके पास ITI का सर्टिफिकेट हो, ये दोनों योग्यता की आवश्यकता है। अगर एक छात्र जिन्होंने 10वीं कक्षा पास किया है किसी भी बोर्ड से, बिहार बोर्ड, ICSE या किसी भी स्टेट बोर्ड से या CBSE से उन्होंने 10वीं करी हो, और साथ ही साथ उनके पास ITI की ट्रेनिंग हो और ITI का सर्टिफिकेट हो, ये दो योग्यता रखी गई है इस पोस्ट के फॉर्म को भरने के लिए। इस बात को, ये जो सारी प्रक्रिया है, इस प्रोसेस को समझने के लिए मैं बोर्ड पे सारे डिटेल्स को आपको मैं समझा दे रहा हूँ। आइए थोड़ा देखते हैं। पोस्ट का नाम है जूनियर टेक्नीशियन। इसके रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, कुछ इस प्रकार है। जो क्वालिफिकेशन है, योग्यता है 10th प्लस ITI। 10th का मतलब किसी सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से या किसी सरकारी बोर्ड से। फॉर एग्जाम्पल, बिहार के स्टूडेंट्स के लिए बिहार बोर्ड हो गया, या CBSE हो गया, या ICSE हो गया, या उत्तर प्रदेश बोर्ड हो गया, या झारखंड एकेडमिक काउंसिल हो गया, किसी भी स्टेट बोर्ड से या सेंट्रल बोर्ड से आपको 10th पास आउट होना चाहिए। और ITI NCVT के द्वारा अप्रूव्ड ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपने 2 साल या 1 साल का डिप्लोमा किया हो। आइए, ITI के जो ट्रेड्स हैं और डिफरेंट पोस्ट हैं, उनके ट्रेड्स कुछ इस प्रकार हैं: इलेक्ट्रीशियन, फीटर, बिल्डर, रेफ्रिजरेशन, बॉयलर। ये ट्रेड हैं 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 ट्रेड हैं जिनकी ट्रेनिंग आपने ITI से ली हो तो आप योग्य हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। फिर से देख लीजिए, इलेक्ट्रीशियन, फीटर, बिल्डर, रेफ्रिजरेशन, बॉयलर। आवेदन की जो प्रक्रिया है वो कुछ इस प्रकार है, उसको हम लोग समझते हैं। आवेदन जो करना है आपको ऑनलाइन करना है। कैसे करना है? ऑनलाइन करना है, तो उसके लिए आपको विजिट करना होगा www.sudha.coop। फिर से देख लीजिए, www.sudha.coop। और इम्पॉर्टेंट, सबसे बड़ी बात यह है कि इस फॉर्म को भरने का जो लास्ट डेट है वो है 8 फरवरी 2019। तो फ्रेंड्स, 8 फरवरी का इंतजार ना करें, आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भरने की प्रक्रिया को शुरू कर दें। और साथ ही साथ वो लोग जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और ITI होल्डर नहीं भी हैं, अगर उनके फ्रेंड
ने ITI करा है या उनके रिलेटिव में किसी ने करा है, या अगर कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो अगर उनके रिलेशन में या उनके बच्चों ने ITI करा है तो काइंडली वो अपने बच्चों को ये बात बताएं और जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भरवाएं। ये अपॉर्चुनिटी फिर ऐसी अपॉर्चुनिटी जल्दी मिलती नहीं है, स्पेशली बिहार के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो सारा प्रोसेस है वो बिहार के अंदर ही है और इसका सैलरी पैकेज भी बहुत बढ़िया है। मुझे लगता है ये इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया हो तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इंतज़ार करें अगले वीडियो के लिए। लगातार हम लोग इस प्रकार के वीडियोस देते रहेंगे, ये महत्वपूर्ण सूचनाओं से आपको अवगत कराते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको फॉर्म भरने में किसी कठिनाई का सामना करना पड़े, कोई समस्या है, अगर फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम लोग उसका सॉल्यूशन का वीडियो बनाकर आपको फिर से भेजेंगे, फिर से उसको अपलोड करेंगे। इसलिए अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत हो, किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो, आप उस प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम लोग उसका सॉल्यूशन देंगे।